देहरादून जू के सीधा अंदर एंटर हुआ हूँ और सभी यहाँ स्नेक्स देख रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैरायटी। आज हम जा रहे हैं मालसी डियर पार्क में और मेरे दोस्त अजय जी डियर पार्क आपको वहाँ दिखाएंगे हम भयानक से भयानक जानवर जो है कि नहीं हमें खुद नहीं पता, बट हम आगे हम थोड़ी गांव में एट अ टाइम अभी आप देख रहे हो कि हम तो जानवर अपने यार इंसान ये हम पहुंच चुके हैं यह मसूरी रोड और थोड़ी ही दूरी पर है हमारा मानसी डियर पार्क। चलते हैं लेके आपको देखें आप और ये है एंट्रेंस और ये मेरे पीछे गेट है मानसी डियर पार्क का देहरादून जू। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी जर्नी की मालसी डियर पार्क। और ये टिकट काउंटर है और एंट्रेंस है मेन, यहीं से हम अंदर जाएंगे। टिकट चेक हो रहा है, दोस्तों जिस साथ देख रहे हो कि हमने टिकट लिया और टिकट लेके अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी मैं गेट से सीधा सीधा अंदर एंटर हुआ हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं फन पार्क है, ये बेसिकली बच्चों के लिए बना गया है। यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं और झूलों में बच्चे खूब सारा मजा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ का नजारा, झूले झूले, परिवार है परिवार और एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपने कुछ क्लिप्स देखी होंगी जो हम आपको दिखाई है, बच्चे इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली एरिया पूरा बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के झूले हैं, छोटे से लेके थोड़े भी जो बड़े बच्चे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बहुत से पैरेट, लुक सी तो पार्टनर्स यहाँ कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने की, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो पा रही है क्योंकि जो जहाँ जालियां लगी है तो अंदर कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, नेचर के बीच में मानसी डियर पार्क और इसके अंदर बहुत सारी पब्लिक और पब्लिक के बीच में हम और हमारे साथ हमारे दोस्त, ठीक है ना। तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानवर को दिखा पाए जो कि आजकल इंसान बनने की ओर है और जो इंसान है वो जानवर बनने की ओर है। तो इसे कहते हैं दोस्तों शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। ये सारे इसलिए गुलाब पड़ गया ये फोटो क्या है शुतुरमुर्ग कितनी है
इसकी आँख कौन सी वाली? वो लास्ट वाली। सेकंड में तो सब्सक्राइब करोगे चैनल? चलो स्नेक्स देख रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा बुरे हैं, पर ओवरऑल मैं बोलूंगा मानसी डियर पार्क जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, बोर तो नहीं हुए हम अभी तक। मतलब एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी मछलियों की वैरायटी है, फिशेस की वैरायटी है, और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए हुए हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। ओ, ये दिखाते हैं, ये कुछ एक्साइटिंग, ये कितनी प्यारी प्यारी चीजें प्रकृति में बनाई। देख पा रही हूँ कि नहीं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी मछलियाँ हैं, बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी से लेके। नाम ये मछली कितनी प्यारी है, एंट्री करेंगे और देखते हैं यहाँ क्या ना है। एंटर हुए हैं ना पार्टनर्स, एक्चुअली ये कैक्टस की वैरायटीज हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वैरायटीज जो हम भी देखेंगे और आप भी देखें। वैसे फर्क कैसे फर्क करते होंगे, कैक्टस अलग अलग है, वैरायटीज अलग अलग, बहुत मुश्किल है मेरे जैसे इंसान के लिए। देखिए पार्टनर्स, अलग अलग तरह के कैक्टस। पार्टनर्स, जो ये कैक्टस आप लोग देख रहे हैं ना, ये बड़े अलग अलग शेप के हैं, एक है आपका तरबूज शेप का, एक है लौकी शेप का, एक है मशरूम शेप का। सामने ये इतना बड़ा तरबूज शेप का, ठीक है ना, उस सामने देखो लौकी शेप का, लाल लाल गुलाब के शेप के भी हैं, ठीक है ना, और जैसे फंगस लगी होती है मशरूम, मशरूम के शेप के भी हैं बहुत। देखे तो चलते हैं, ढूंढते हैं उस लेपर्ड को जिसके पीछे हम पड़े हैं और उसे दिखाते हैं आप लोगों को। नज़ारा है इवनिंग के समय का मानसी डियर पार्क का, लोग बड़े ही तादाद में है। आपको लेपर्ड दिखा नहीं पाए क्योंकि लेपर्ड बहुत नाराज है, हम मानवों ने, हम प्राणियों ने उसे बहुत ज्यादा नाराज करके रखा है, वो अंदर की साइड होके बैठा हुआ है, उसने कहा मुझे नहीं तुमसे करनी बात, तुम निकलो यहाँ से। मैंने बहुत सारी कोशिश करी उसे मनाने की पर वो माना नहीं, ठीक है ना, उसे चाहिए माल, मान यानी कि भोजन, भोजन उसका नॉन वेज है, नॉन वेज मैं खाता नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं उसके लिए। और वो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।